हजरात 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 तो रफ्तार नीट वालों आ गए हैं हम और अब हम और तुम मिलके फिजिकल केमिस्ट्री पर कॉन्सेप्ट और ट्रिक का इतना बम मारेंगे इतना बम मारेंगे कि फिजिकल को धुआं धुआं कर दें हजरात हजरात हजरा हेलो बच्चों रफ्तार नीट बैच की केमिस्ट्री की क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत मैं हूं आपका ऋतिक सर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिकल केमिस्ट्री बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो बैच है रफ्तार नीट ये बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो डॉक्टर बनना टारगेट कर रहे हैं यानी नीट एग्जामिनेशन को देने वाले हैं नीट एग्जामिनेशन के जो एक्सपेरेंट हैं ये बैच उनके लिए बनाया गया है ठीक है तो क्योंकि हम सभी बच्चे जो नीट देने वाले हैं हम जानते हैं कि नीट के पेपर में नीट के पेपर में केमिस्ट्री के पोर्शन में एक सबसे ज्यादा स्कोरिंग क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में रेशो के हिसाब से मैक्सिमम स्कोरिंग केमिस्ट्री है दूसरा केमिस्ट्री में भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री से आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से आते हैं आइडियली पंद्रह 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 क्वेश्चन आने चाहिए लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री से पिछले दस साल का पेपर उठा के देख लो पिछले हर दस साल में हर साल तुम्हें लगभग सत्रह अठारह सत्रह अठारह क्वेश्चन मिलेंगे तो फिजिकल केमिस्ट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ नीट प्रिपरेशन इसलिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं और इसलिए क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन होते हैं ये बिल्कुल फॉर्मुला बेस्ड होते हैं ये बिल्कुल

12th के portion, 12th के में, इसलिए को seriously लेना जरूरी है, ठीक है? अब आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे सर, अभी तक तो हमने 11th को seriously लिया नहीं। अभी तक तक तो तो हमने हमने को लिया नहीं, ढंग से पढ़ाई की नहीं अभी तक तो हम यही सोच रहे थे कि शायद कोरोना भगवान की कृपा हो जाए कुछ हो जाए है ना कोई चमत्कार हो जाए कोई जादू हो जाए लेकिन ऐसा कोई जादू होता हुआ दिख तो रहा नहीं है सौ करोड़ वैक्सीनेशन हो चुके हैं लोगों को वैक्सीन लगती जा रही है तो इसका मतलब यह है कि सर अब तो तैयारी करनी पड़ेगी अब तो पढ़ाई करनी पड़ेगी है ना तो जिन लोगों ने अभी तक सीरियसली नहीं लिया है इलेवेंथ को वो लोग परेशान ना हो चिंता ना करें आप लोगों के लिए ही इस बैच को बनाया गया है और अगर आप अभी से भी सीरियस होकर पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं तो अगर आप अभी से भी सीरियसली होके पढ़ाई करना शुरू कर देंगे तो कोई बहुत देर नहीं हुई है ठीक है ना कोई बहुत देर नहीं हुई है आप कुछ समय में बराबर आ जाएंगे तैयारी पर आपकी ट्रैक पर आ जाएगी तैयारी आपकी और एक बार आपकी तैयारी ट्रैक पर आई उसके बाद सिलेक्शन होना बिल्कुल आसान है मैं उन सारे बच्चों से बात कर रहा हूं जो इलेवेंथ में है अभी इलेवेंथ में है अभी और 2023 में नीट देंगे या कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इस समय ट्वेल्थ में है दो में नीट देंगे और इलेवेंथ का पोर्शन खराब कर चुके हैं वो सारे बच्चे जो 2022 में या 2023 में अपना नीट देने वाले हैं आप लोग अगर अभी से पूरी मेहनत के साथ पूरी सिंसियरिटी के साथ पढ़ाई करने में लग जाओगे पढ़ाई करने में लग जाओगे तो मैं तीन बातें तो बोल सकता हूं बिल्कुल गारंटेड वो तीन बातें ये हैं कि बैच है ये रफ्तार बैच है ये रफ्तार मैं सिखाऊंगा करना केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट से प्यार और अगर ढंग से पढ़ोगे मेहनत करोगे तो एक दिन तुम और मैं मिलकर खोलेंगे मेडिकल कॉलेज के द्वार तो मेडिकल कॉलेज पहुंचने के सफर की पहला जो पड़ाव है केमिस्ट्री का जो पहला पड़ाव है उसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री तो आज जो चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं इसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हालांकि इसको इस नाम से केवल एनसीआरटी वाले ही जानते हैं इसको इस नाम से केवल एनसीआरटी वाले ही जानते हैं इसका जो बहुत फेमस नाम है जिस नाम से ये चैप्टर काफी ज्यादा बदनाम है इसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट तो जिस चैप्टर को आप लोग मोल कॉन्सेप्ट कहते हैं जिस मोल से आपका डब्बा गोल होता है जिस मोल से आप थर थर कांपते हैं जिस मोल से डर लगता है उस मोल को निपटाने हम आ गए हैं तो अब इस मोल को आप और मैं मिलकर निपटाएंगे इस मोल को हम और तुम मिलकर गोल करेंगे ठीक है ना इससे पहले कि हम निपटाने की शुरुआत करें कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं थोड़ा सा तुम्हें अपने बारे में बता देता हूं मैं थोड़ा सा तुम्हें अपने बारे में बता देता हूं कि मैं कौन हूं ठीक है और क्या क्या मेरे क्रेडेंशियल्स है तुम्हें अच्छा लगेगा सुन के और मुझे भी अच्छा लगेगा बता के <laughs> है ना क्योंकि मैं तो अपनी तारीफ ही करूंगा और मैं करता भी हूं अपनी तारीफ क्योंकि मेरा मानना है कि इंसान को अपनी तारीफ हमेशा करनी चाहिए है ना अपने बारे में हमेशा अच्छा सोचना चाहिए अपनी हमेशा तारीफ करनी चाहिए बुराई करने के लिए भगवान ने दुनिया बनाई हुई वो करेगी खैर तो मैं अपनी तारीफ अपनी तारीफ में खुद ही कर लेता हूं मेरा नाम ऋतिक श्रीवास्तव है आपके लिए आपका ऋतिक सर और मैं बीटेक हूं फ्रॉम अ वेरी प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आपको आगे के लेक्चर में पता लगेगा कहां से एंड मैं बीटेक इन बायो केमिकल इंजीनियरिंग ठीक है बायो केमिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है मैंने और पिछले 11 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं ये मेरा बारवा साल है पढ़ाते हुए पिछले ग्यारह सालों से मैं पढ़ा रहा हूं मतलब दो ऑनवर्ड्स मैं पढ़ा रहा हूँ और मैंने इंडिया के कुछ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है इंडिया के कुछ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है जिसमें से कोटा के दो बड़े बड़े में मैंने पढ़ाया है बंसल क्लासेस और एलन ठीक है ना मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ माय करियर मैंने एलन करियर इंस्टीट्यूट कोटा में पढ़ाया है ठीक है और जहां तक मेरे रैंक प्रोफाइल की बात करें तो ईश्वर की दया से और ईश्वर की दया से और मेरे भाग्य से बहुत अच्छे अच्छे बच्चे बहुत प्यारे प्यारे बच्चे और बहुत सिंसियर बच्चे मुझे पढ़ने के लिए मिले हैं और उन बच्चों में से कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा नाम रोशन किया है है ना बहुत ज्यादा नाम रोशन किया है एम्स 2018 रैंक टू विश्व बड़ोदरिया उससे पहले ऋषभ राज हेत संजय शाह एकांश गोयल ये जो एम्स और नीट के टॉपर्स हैं ये कुछ ऐसे टॉपर्स हैं जिनको मैंने पढ़ाया है ठीक है ना अरविंद गुलाटी नमन पावा ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनको अगर आप गूगल करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ ये वास्तव में टॉपर्स हैं इनकी टॉप रैंक्स थी और ये वो टॉपर्स हैं जिन्हें मैंने पढ़ाया है फिजिकल केमिस्ट्री का ठीक है ना मेरे पढ़ाए हुए काफी सारे बच्चे इस समय इस समय भी इंडिया के प्रीमियर इंस्टीट्यूट से एम कर रहे हैं अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर रहे हैं मतलब भाई का जो बिजनेस है ना वो सारे के सारे मेडिकल कॉलेज में फैला हुआ ठीक है आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो आपको कोई ना कोई सीनियर ऐसा जरूर मिलेगा किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो कोई ना कोई सीनियर आपको ऐसा जरूर मिलेगा हंड्रेड मिलेगा जो कभी ना कभी कहीं ना कहीं ऋतिक सर से पढ़ चुका होगा ठीक है तो मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे वो बच्चे मेडिकल कॉलेज तक पहुंचे आप भी अपना मेडिकल कॉलेज तक पहुंच के अपनी पढ़ाई की जर्नी को पूरा करें और डॉक्टर बने डॉक्टर बनने का सपना पूरा करें और फिर बाद में मेरा मुफ्त इलाज करें ठीक है कुछ बातें जो जरूरी हैं वो ये कि आ, पढ़ते समय थोड़ा सिंसियरिटी से पढ़ेंगे तो ज्यादा मजा आएगा दूसरी बात ये कि यार आ, मेरा जो फोकस रहता है पढ़ाते समय वो दो बातों के ऊपर रहता है पहला आपको कॉन्सेप्ट ढंग से चमक जाए तो कॉन्सेप्ट अपन चमकाएंगे मस्त एकदम क्रिस्टल क्लियर करेंगे कॉन्सेप्ट को दूसरी बात जो बहुत जरूरी है नीट के पेपर में क्योंकि नीट का पेपर एक ऑब्जेक्टिव पेपर होता है और जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है ना वो होता है टी ट्वेंटी का मैच और टी ट्वेंटी के मैच में रन आने से मतलब होते हैं छक्का चाहे ड्राइव करके मारा गया हो चाहे बल्ले से तो, निकल के चला गया हो छक्का छक्का ही होता है ठीक है ना इसलिए हमारा बहुत ज्यादा फोकस यहां पर ट्रिक्स पर भी रहेगा तो बहुत मजेदार मजेदार ट्रिक्स बताऊंगा मैं आपको बहुत मजेदार मजेदार शॉर्टकट्स बताऊंगा जिनसे आप क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे ठीक है तो दोनों ही चीजें करेंगे हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखेंगे भी सही और क्वेश्चंस को छोटे तरीके से करने का तरीका भी जुगाड़ करेंगे वो जुगाड़े भी देखेंगे वो चीजें भी देखेंगे ठीक है ना तो चलिए शुरू करते हैं सम बेसिक्स केमिस्ट्री। सम बेसिक्स ऑफ ऑफ केमिस्ट्री केमिस्ट्री बेसिक में आज मैं आपसे कोई बहुत बड़ी मोल वोल की बात नहीं करूंगा आज का चैप्टर प्योरली एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है आज के लेक्चर में केवल और केवल इंट्रोडक्शन की बात होगी मेरे इंट्रोडक्शन की जो हो गया मेरे पढ़ाने के तरीके के इंट्रोडक्शन की जो कि आपको अब मिलेगा मैटर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर और एस आई यूनिट इन चार चीजों की बात हम लोग करने वाले हैं आज के लेक्चर में ठीक है तो थोड़ी थोड़ी बात करेंगे थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री के अंदर चलेंगे और आज के लेक्चर में हमारा जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसे कंप्लीट करेंगे ताकि नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स हम फिर मोल में धीरे धीरे एंटर करना शुरू करेंगे ठीक है यह चैप्टर खुद में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है खुद में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है मतलब खुद में इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं है हो सकता है एक क्वेश्चन इससे पेपर में आए हो सकता है एक भी ना आए तो खुद में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन ये आलू है आलू केमिस्ट्री का आलू है ये चैप्टर आलू समझते हो आलू वो सब्जी होती है जो किसी भी सब्जी में डाली जा सकती है किसी भी सब्जी में टमाटर आलू मटर आलू भिंडी आलू बैगन आलू गोभी आलू हर चीज में आलू ये आलू है यह वो आलू है जो हर चैप्टर में मिलेगा इसका यूज तुम हर दूसरे चैप्टर में करोगे इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझना ताकि इस आलू की सब्जी को बनाने में तुम्हें ऐसी महारत हासिल हो जाए कि बाकी हम चाहे किसी भी सब्जी में इसे मिलाएं तुम्हें तुरंत यह आलू की सब्जी बनानी अगर आती होगी तो तुम फटाफट उस सब्जी को भी बना लोगे तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से बेसिकली देखिए है क्या साइंस जो है विज्ञान इसको कई सारी चीजों में बांटा गया है जैसे फिजिक्स बायोलॉजी ऐसे ही साइंस की एक ब्रांच है केमिस्ट्री अब जो केमिस्ट्री ब्रांच है साइंस की केमिस्ट्री क्या करती है केमिस्ट्री का, का काम क्या हम क्या पढ़ते हैं केमिस्ट्री केमिस्ट्री में बेसिकली हमें जिस चीज से पढ़ा, जिस चीज की हमें बात करनी होती है जो पढ़ाई हमें करनी होती है जिस चीज के बारे में जानना होता है वो होता है कंपोजिशन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कंपोजिशन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर सो अगर मैं आपसे कहूं एक लाइन में स्टडी ऑफ मैटर तो इसमें कोई ओवर स्टेटमेंट नहीं है केमिस्ट्री में बेसिकली हमें मैटर की स्टडी करनी है वी आर टॉकिंग अबाउट मैटर ठीक है ना वी आर टॉकिंग अबाउट मैटर केमिस्ट्री के अंदर हम लोग मैटर की बात करेंगे ठीक अब मैटर के स्ट्रक्चर की बात करनी है मैटर की प्रॉपर्टीज की बात करनी है और मैटर के स्ट्रक्चर की बात करनी है मैटर की प्रॉपर्टीज की बात करनी है मैटर को समझना है कि मैटर का स्ट्रक्चर क्या है मैटर की प्रॉपर्टीज क्या है तो इसके लिए हमें पढ़नी पड़ेगी मैटर की कंपोजिशन मैटर की कंपोजिशन भाई अगर हम यूनिवर्स की बात करें तो इस यूनिवर्स में बेसिकली क्या है दो ही चीजें हैं मैटर है और एनर्जी है मैटर है और एनर्जी है और आइंस्टाइन ने दोनों को रिलेट किया हुआ इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर से हालांकि वहां हम नहीं जा रहे तो एनर्जी और मैटर में से जो मैटर वाला पार्ट है जो मैटर वाला पार्ट है वो हमारे हिस्से आया तो हम लोग बात करने जा रहे हैं मैटर की अब जब हम मैटर की बात करने जा रहे हैं तो हमें मैटर की प्रॉपर्टीज पढ़नी है मैटर का स्ट्रक्चर पढ़ना है उसके लिए क्या जरूरी है मैटर को समझना कि मैटर बना कैसे है किन चीजों से बना है भाई सपोज करो मैटर लड्डू है मैटर एक लड्डू है लेटर से बेसन का लड्डू है हाँ मेरे एग्जाम्पलों में खाने की प्रायोरिटी खाने का बहुत ज्यादा रोल होता है बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे खाने से रिलेटेड होते हैं वो तुम्हें मेरे को देख के पता भी चल रहा होगा क्यों ठीक है तो मेरे एग्जाम्पल जो होंगे उसमें कई कई बार अधिकतर बातें हम लोग खाने की बहुत करेंगे बात है ना तो काफी मतलब भूख लगे समझ में केमिस्ट्री कितनी आएगी कितनी नहीं आएगी वो मेरे को नहीं पता एक बात की गारंटी है मेरा लेक्चर लगाने के बाद तुम्हें भूख जबरदस्त लगेगी ठीक है ना क्योंकि मरेदार मजेदार खाने की चीजों के नाम बहुत लूंगा मैं तो मतलब मुंह में पानी आता रहेगा प्यास नहीं लग सकती तुम्हें मुंह में अपने आप ही पानी आता रहेगा टेंशन नहीं लेनी तो मैटर जो होता है सपोज हम कह रहे हैं मैटर एक लड्डू है तो अगर मेरे को लड्डू पता है कि लड्डू मीठा है अब यह लड्डू मीठा है अब मेरे को इस लड्डू की स्टडी करनी है कि ये लड्डू कैसे बना किन किन चीजों से बना तो मुझे लड्डू के क्या जानने होंगे कंपोनेंट्स जानने होंगे कंपोजिशन जाननी होगी कि बेसन डाला है चीनी डाली है घी डाला है क्या क्या चीजें पड़ी हैं क्या प्रोसेस रही है जिससे कि लड्डू बनाया गया है तो अगर मुझे मैटर की स्टडी करनी है तो मुझे मैटर की करनी पड़ेगी कंपोजिशन की स्टडी और किसी भी चीज की कंपोजिशन की जो बेसिक यूनिट्स होती हैं वो होती हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स तो बेसिकली केमिस्ट्री जो है दैट इज द स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स दैट इज द स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स तो इसलिए एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की वजह से केमिस्ट्री को हम कहते हैं साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स तो केमिस्ट्री बेसिकली क्या है एटम्स की और मॉलिक्यूल्स की साइंस है तो so केमिस्ट्री के अंदर हमको बात करनी है एटम्स की मॉलिक्यूल्स की ऑल इन ऑल मैटर की मैटर का स्ट्रक्चर मैटर का कंपोजिशन ये सारी चीजें एटम्स मॉलिक्यूल्स इन सारी चीजों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे केमिस्ट्री के अंदर अब केमिस्ट्री का चक्कर क्या है कि जो केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं जो केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं वो केमिस्ट्री बहुत नई ब्रांच है बहुत नई चीज है केमिस्ट्री साइंस की सबसे नई ब्रांचेस में से एक है अभी केवल दो ढाई सौ साल ही हुए हैं केमिस्ट्री में आए हुए बहुत पुरानी नहीं है केमिस्ट्री ठीक है ना और केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है जिसका जन्म भी पढ़ाई के पर्पज से नहीं हुआ था केमिस्ट्री का जो जन्म है वो पढ़ाई के पर्पज से नहीं हुआ था केमिस्ट्री का जन्म लोगों ने दो चीजें ढूंढनी थी उसकी वजह से हुआ लोगों को दो चीजें ढूंढनी थी एक तो लोगों को बनाना था पारस पत्थर स्टोन एक लोगों को यह मतलब चुल्ल थी कि एक पारस पत्थर नाम की चीज बनाएंगे कहते हैं कि पारस पत्थर जो है वो एक ऐसा पत्थर हुआ करता था जिससे अगर आप लोहे को तांबे को टच करा दें तो हर चीज सोने में बदल जाती थी तो अगर आपके पास पारस पत्थर है तो पारस पत्थर से हर एक चीज सोने में बदल जाएगी ऐसा लोग मानते थे ऐसा लोग मानते थे तो एक तो लोग पारस पत्थर बनाना चाहते थे पारस पत्थर बनाना चाहते थे तो पारस पत्थर बनाने के लिए लोगों ने क्या किया अलग अलग चीजों को एक दूसरे में मिक्स करना स्टार्ट किया जब चीजों को मिक्स करना स्टार्ट किया तो लोगों को पता लगा कि केमिकल रिएक्शन नाम की एक चीज होती है कि जब लोग चीजों को मिक्स करते हैं तो आपस में रिएक्ट कर जाती है जब चीजों को मिक्स करते हैं तो आपस में क्या कर जाती है रिएक्ट कर जाती है तो उस रिएक्शन से केमिस्ट्री का जन्म हुआ फिर ऐसे ही एक लोगों को बनाना था एलेक्जर ऑफ लाइफ अमृत एलेक्जर ऑफ लाइफ अमृत अमृत बनाने के चक्कर में काफी लोगों ने केमिस्ट्री को ढूंढ लिया कि भाई एक ऐसी चीज बना लेंगे एक ऐसा केमिकल होगा जिसे एलेक्जर ऑफ लाइफ बोलेंगे इसको पी लेंगे ना तो हम अमर हो जाएंगे हम अमर हो जाएंगे ऐसा पुराणों में वेदों में कहा गया है कि ऐसी कोई चीज होती होगी ऐसी कोई चीज होती होगी अब कोई वेद पुराण पढ़ के आया उसने पढ़ लिया कि ऐसी कोई चीज होती है अब उसे थोड़ा ना पता था कि हाइपोथेटिकल होती है ठीक वो तो सीरियस ही हो गया कि नहीं ऐसी कोई चीज होती मैं तो बनाऊंगा वो बनाने के चक्कर में उसने फिर केमिस्ट्री की रिएक्शन शुरू करी फिर चीजों को मिलाना शुरू किया इधर से उधर उधर से उधर लेकिन अलेग्जर ऑफ लाइफ तो नहीं मिला केमिस्ट्री मिल गई एलेक्जर ऑफ लाइफ नहीं मिला लेकिन केमिस्ट्री मिल गई तो केमिस्ट्री का जन्म जो हुआ है वो मानते हैं कि इन दोनों घटनाओं की वजह से हुआ है जो शुरुआत में कभी केमिस्ट्री कई सदियों पहले जो केमिस्ट्री पैदा हुई होगी इस वजह से पैदा हुई होगी हालांकि हम इंडियंस को हम इंडियंस को केमिस्ट्री की के नॉलेज शुरुआत से थी बहुत समय से थी हमारे इंडिया में ऐसे ऐसे साइंटिस्ट पैदा हुए हैं हमारे इंडिया में ऐसे ऐसे साइंटिस्ट पैदा हुए हैं जिन्होंने बहुत एंशियंट टाइम्स के अंदर बहुत एंशियंट टाइम्स के अंदर केमिस्ट्री को यूज किया था जैसे आप लोग एटम की डिस्कवरी का क्रेडिट डाल्टन को देते हैं कि एटम की जो थी सबसे पहले डाल्टन ने दी थी इंडियन फिलोसफी के हिसाब से एटम की थियोरी जो है कणाद नाम के एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी कणाद वर्ल्ड फर्स्ट केमिस्ट वर्ल्ड फर्स्ट केमिस्ट इज टू बी इस्ना नगार्जुना नाम का एक साइंटिस्ट था इंडियन साइंटिस्ट जिसे मानते हैं कि ही वाज द फर्स्ट केमिस्ट जो केमिकल रिएक्शंस कराया करता था अपनी लेबोरेटरी के अंदर है ना टरी के अंदर ठीक है तो ये इंडियन फिलोसफी है लेकिन हम इंडियन फिलोसफी वाली केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हम पढ़ते हैं मॉडर्न वाली केमिस्ट्री और ये जो मॉडर्न वाली केमिस्ट्री है ना ये 18वीं सेंचुरी में डेवलप हुई है। और 18वीं सेंचुरी में यूरोप में डेवलप हुई यूरोप में क्यों डेवलप हुई क्योंकि बाकी पूरी दुनिया को तो यूरोप ने गुलाम बना रखा था बाकी पूरी दुनिया को तो यूरोप ने गुलाम बना रखा था ना तो जहां जहां डेवलप हुई वो सब यूरोप का था कोई चीज अमेरिका में डेवलप हुई अमेरिका उनका गुलाम था इंडिया में डेवलप हुई इंडिया उनका गुलाम था हर किसी को तो गुलाम बना रखा था तो पूरी दुनिया में यूरोप का कब्जा था तो जहां कोई डिस्कवरी होती थी क्योंकि वो यूरोप के राज में होती थी क्रेडिट यूरोपियंस को मिल जाता था अठारवी सेंचुरी के अंदर जाकर अठारहवीं सेंचुरी के अंदर जाकर जो केमिस्ट्री डेवलप होनी स्टार्ट हुई है सन फ्रॉम ईयर अराउंड एटीन टेन एटीन ट्वेंटी से लेके आज तक मतलब लगभग दो तीन सौ साल हो गए हैं इन दो तीन सालों में जो दो तीन सौ सालों में जो डेवलपमेंट हुए हैं इन दो तीन सौ सालों में जो डेवलपमेंट हुए दीज डेवलपमेंट्स आर नोन एज मॉडर्न केमिस्ट्री दीज डेवलपमेंट्स आर नोन एज मॉडर्न केमिस्ट्री एंड मॉडर्न केमिस्ट्री को ही हम लोग स्टडी करते हैं ठीक है तो वी स्टडी द केमिस्ट्री विच इज मॉडर्न केमिस्ट्री अब मॉडर्न केमिस्ट्री के अंदर भी क्योंकि केमिस्ट्री को मॉडर्नाइज करना था केमिस्ट्री को क्या करना था मॉडर्नाइज करना था तो मॉडर्न केमिस्ट्री के अंदर भी केमिस्ट्री के तीन हिस्से किए गए केमिस्ट्री के क्या किए गए तीन हिस्से किए गए बिकॉज केमिस्ट्री जो है इट इज अ वेरी वास्ट डिसिप्लिन बहुत बड़ा सब्जेक्ट है तो इसको छोटा करने के लिए इसके तीन छोटे छोटे हिस्से कर दिए गए तीन छोटे छोटे हिस्से कर दिए गए क्या थे वो हिस्से कौन कौन से थे वो इससे पहला हिस्सा किया गया फिजिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री का पहला हिस्सा किया गया फिजिकल केमिस्ट्री ठीक है दूसरा हिस्सा किया गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा हिस्सा किया गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ठीक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली केमिकल रिएक्शंस पर बेस्ड ब्रांचेस है केमिकल रिएक्शंस पर बेस्ड ब्रांचेस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में व्हाट डू वी स्टडी वी स्टडी स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन ये पढ़ते हैं हम इसमें यह पढ़ते हैं इसमें इनऑर्गेनिक में क्या पढ़ते हैं स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स कार्बन के अलावा जितने एलिमेंट्स बचे उनकी बात करते हैं यहां पर हम बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ मैटर स्टडी ऑफ मैटर एंड द प्रोसेसेस रिलेटेड टू इट मैटर की स्टडी करते हैं मैटर की स्टडी करते हैं और उन प्रोसेस की स्टडी करते हैं जो मैटर करता है मतलब मैटर से जुड़ी प्रॉपर्टीज और उससे जो प्रोसेस जुड़ी होती है उनकी बात करते हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री में आर नो केमिकल वी वी नॉट डील डील विद विद द द केमिकल मैटर विदिकल और ये जो प्रोसेस होती हैं ये हमारे आसपास की जिंदगी में से निकलती हैं तो आप देखेंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री जब आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे क्योंकि ये वाला आर्टिकल तो पूरी तरीके से थ्योरेटिकल आर्टिकल मतलब केमिस्ट्री पर बेस्ड आर्टिकल है लेकिन आप देखेंगे कि जब आप मोल कॉन्सेप्ट से निकल जाएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर से निकल जाएंगे तो आप देखेंगे फ्रॉम अदर चैप्टर ऑनवर्ड्स कि जो केमिस्ट्री है जो केमिस्ट्री की कहानी है ये आपके घरों में से निकलेगी मैं आपके किचन में से आपको थर्मोडानेमिक्स के लॉज दिखाऊंगा आपके घरों में से ही आपको सारी चीजें दिखाऊंगा आपके आसपास की जिंदगी से आपको दिखेगा तो फिजिकल केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री है जो हमारे आसपास फैली हुई है फिजिकल केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री है जो हमारे आसपास फैली हुई है तो यू विल सी

मैटर तो के अंदर क्या चीज होती है मैटर के अंदर तीन प्रॉपर्टी होनी चाहिए मैटर स्पेस घेरेगा मैटर की पहली प्रॉपर्टी मैटर स्पेस घेरेगा दूसरी प्रॉपर्टी मैटर के अंदर मास होगा कोई भी चीज जो स्पेस घेरे जगह घेरे कोई भी चीज जो जगह घेरे कोई भी चीज जिसके अंदर मास हो और कोई भी चीज जो हमें पांच सेंसेस से मौजूद हो पांच सेंसिस से महसूस हो छूकर, देखकर चखकर सूंघ कर, कर या एक्सपीरियंस करके महसूस हो वो मैटर है वो मैटर है इसके अलावा जो कुछ है वो एनर्जी इसके अलावा जो कुछ है वो एनर्जी है जैसे मैं खड़ा हूं मैंने स्पेस घेरा हुआ है मैंने स्पेस घेरा हुआ काफी ज्यादा घेरा हुआ है। चौड़ाई काफी ज्यादा मैंने स्पेस घेरा हुआ है मेरे अंदर मांस है वो भी बहुत है है ना मेरे अंदर मांस है और तुम मुझे देख भी सकते हो सुन भी सकते हो यहाँ हो तो मेरे को छू भी लेते सु तो घर नहीं सकते अभी क्योंकि स्क्रीन का फासला है ना हाँ तो देख सकते हो सुन सकते हो मतलब मैं मैटर हूं वही अगर लाइट की वेव आएगी तो लाइट की वेव के पास कोई स्पेस नहीं घिरता सूरज से रोशनी आती जगह थोड़ा ना घिरती है घेरती है क्या नहीं घेरती ना कोई मास थोड़ा ना होता उसका ऐसा थोड़ा ना होता सूरज की रोशनी में खड़े हो जाओ सर्दियों का दिन है लोगों को धूप में बैठना अच्छा लगता है धूप में बैठकर धूप में से मास आ रहा है गिर गए उसी मास से दबके धूप खाने बैठे फिर बैठ ही नहीं पाए सारा मास धूप का मुंह पे गिर गया आगे और धूप को या लाइट को ना तो छू सकते हो ना देख सकते हो ना महसूस कर सकते हो भाई लाइट तुम्हारी आंखों में पड़ती है तो तुम चीजें देखते हो लाइट को थोड़ा देख सकते हो लाइट को थोड़ा तो लाइट एनर्जी है लाइट इज एनर्जी गैसेस मैटर है गैसेस को सूंघ तो सकते ही हो नहीं सूंघ सकते सॉलिड मैटर है लिक्विड मैटर है तो मैटर जो होता है वो सबसे बड़ी चीज स्पेस घेरेगा मास होगा उसके पास और आप उसे किसी भी पांच सेंसेस में से किसी एक से महसूस कर पाएंगे ठीक है मैटर को दो हिस्सों में बांटा गया है फिजिकल क्लासिफिकेशन और कैम्सियल लिख दिया है ये, इट इज नॉट कैम्सियल इट इज केमिकल क्लासिफिकेशन तो फर्स्ट इज फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड सेकेंड इज केमिकल क्लासिफिकेशन सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन की मैटर के फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं फिजिकली मैटर जो होता है वो किस किस कैटेगरी में बांटा जाता है ठीक है फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ठीक है ना ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट मैटर के पांच डिविजन किए गए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट मैटर के बच्चों पांच डिविजन किए गए हैं, ठीक है ना ये मैटर है और मैटर के हमने पांच डिविजन किए हैं कौन कौन से हैं बच्चों पांच डिवीजन? मैटर की पहली स्टेट होती है सॉलिड सॉलिड ठीक है ना सॉलिड सॉलिड का शेप फिक्स होता है वॉल्यूम फिक्स होता है शेप फिक्स होता है वॉल्यूम फिक्स होता है और सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास में होते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास में होते हैं मतलब अगर ये सॉलिड है तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे ना वो एक दूसरे के बिल्कुल पास पास होंगे तो क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास पास होते हैं इसलिए सॉलिड्स के अंदर इंटर मोलिकुलर अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा होते हैं सॉलिड्स के अंदर इंटर मोलिकुलर अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा होते हैं ठीक है ना इंटर मोलिकुलर अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा होते हैं नेक्स्ट कैटेगरी आती है इसी में लिक्विड्स 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 का वॉल्यूम फिक्स होता है डेफिनेट वॉल्यूम शेप फिक्स नहीं होता शेप फिक्स नहीं होता ठीक है ना इसमें क्या होता है वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होता शेप फिक्स नहीं होता जिस बर्तन में डाले जाते हैं उस बर्तन जैसे हो जाते हैं आप इन्हें जिस बर्तन में डाल देंगे इनकी शक्ल उस बर्तन जैसी हो जाएगी जैसे आप पानी है इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल पानी पानी ग्लास में भर ले ग्लास जैसा दिखेगा बाल्टी में भर ले बाल्टी जैसा दिखेगा मग्गे में भर ले मग्गे जैसा दिखेगा प्लेट में रख ले प्लेट जैसा देखिए कटोरी में रख ले कटोरी सर पानी की बात मत मतलब, करो सर्दी शुरू हो चुकी है और पानी से हमारा मतलब दूर दूर तक सर्दियों में तो नाता नहीं है कम से कम क्योंकि तो सर्दियों में लिक्विड के अंदर अगर बात करूं तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़े से दूर दूर होते हैं थोड़े से दूर दूर होते हैं इस तरीके से और लिक्विड के पार्टिकल्स के अंदर एक टेंडेंसी होती है कि मूव कर सकते हैं इसी स्पेस के अंदर ये मूव कर सकते हैं जहां तक इनकी बाउंड्री है ये आराम से मूव कर सकते हैं ठीक है ना जितनी जितने इस इलाके में लिक्विड भरा हुआ है कीजे, इस बर्तन में पूरा लिक्विड नहीं भरा हुआ है सपोज कीजिए इस बर्तन में यहां तक लिक्विड भरा हुआ है केवल ठीक है ना तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है ना ये लिक्विड के मॉलिक्यूल सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़े ज्यादा दूर दूर होंगे तो इनके बीच में अट्रैक्शन सॉलिड से कम होंगे सॉलिड से कम होंगे होंगे ना और इनके जो मॉलिक्यूल्स है ना इस इलाके में मूव कर सकते हैं जितने इलाके में लिक्विड लिक्विड फैला है केवल उसमें जहां लिक्विड नहीं है वहां ये नहीं जाएंगे लेकिन जितने इलाके में लिक्विड है वहां ये जा सकते हैं ठीक है इसके बाद आते हैं गैसेस इसके बाद आते हैं गैसेस इसके बाद क्या आते हैं बेटा गैसेस आते हैं गैसेज के अंदर ना ही फिक्स शेप होता है ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है और वेरी लेस इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स इतने दूर दूर होते हैं इतने दूर दूर होते हैं कि उनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होता गैस की टेंडेंसी होती है कि गैस का जो मॉलिक्यूल होगा वो बर्तन को या कमरे को या जहां भी रख दोगे उसे पूरा पूरा घेरेगा गैस को तुम जहां भी रख दोगे उसे पूरा घेर लेगा तो गैस के भले ही चार मॉलिक्यूल होंगे फिर वो चारों कोनों में फैल जाएंगे और इस बर्तन को पूरा पूरा घेर लेंगे तो गैस की अटेंडेंसी होती है दैट गैस ऑक्यूपाइज कंप्लीटली और गैस पूरे के पूरे स्पेस में घूमती है ये बातें हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में गैस पूरे के पूरे अवेलेबल स्पेस में घूमती है लिक्विड और गैस में एक बेसिक डिफरेंस यही है कि एक तो लिक्विड के कंपैरिजन में गैस का अट्रैक्शन और कम है तो गैस का जो मॉलिक्यूल है इट इज लाइक अ छुट्टा सांड आवारा सांड है ये कोई अट्रैक्शन नहीं है कोई रोकने वाला नहीं है कोई डिसिप्लिन नहीं है कोई फिक्स शेप नहीं है कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं है कुछ नहीं सब कुछ मस्ती में चल रहा है मस्ती में पूरा बर्तन नाप रहे हैं घूम रहे हैं इधर से उधर पूरे बर्तन को घेर के बैठे हुए हैं कोई अट्रैक्शन नहीं है पार्टिकल इतने दूर दूर है उनके बीच में कोई अट्रैक्शन लग ही नहीं रहा है पार्टिकल्स इतने दूर दूर है कि उनके बीच में कोई अट्रैक्शन लग ही नहीं रहा है ठीक है कोई अट्रैक्शन लग ही नहीं पा रहा है ठीक है ये हो गए सॉलिड लिक्विड्स और गैसेस इसके अलावा दो स्टेट्स और होती हैं। एक होती है प्लाज्मा और एक होती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को हम स्टडी नहीं करते प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को हम स्टडी नहीं करते हालांकि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट ज ए वेरी प्राउड मूवमेंट फॉर इंडियन इसमें जो बोस है uh, नाथ बोस उनके नाम पर ऐसे बोस हैं। लेकिन इनकी स्टडी अभी हमारे स्कोप में नहीं है क्योंकि अभी हमारी जो केमिस्ट्री है वो कुछ साल पीछे चल रही है ठीक है ना इसलिए अभी हम इनकी स्टडी नहीं करते एक बात और अगर आप एक लिक्विड को एक बर्तन में से निकाल देंगे अगर आप एक लिक्विड को बर्तन में से निकाल देंगे मतलब आपने गिलास में पानी भरा था उस पानी को आपने फेंक दिया तो वो पानी बहेगा रुकेगा नहीं अपनी जगह और ऐसे ही गैस का अगर आपने कंटेनर खोल दिया गैस भरी और आपने कंटेनर खोल दिया तो वो गैस पूरे बर्तन में बहेगी पूरे कमरे में बहेगी एक शीशी में आपके पास गैस थी आपने इस गैस के सिलेंडर को तोड़ दिया तो गैस निकलेगी और गैस निकल के पूरे बर्तन में बहेगी तो क्योंकि लिक्विड्स और गैसेस में बहने की फ्लो करने की टेंडेंसी होती है इसलिए इन्हें फ्लूइड्स कहते हैं क्या कहते हैं फ्लूइड्स लिक्विड्स एंड गैसेज आर फ्लूइड्स ओके लिक्विड एंड आर फ्लू क्लियर है क्लियर है चलिए आगे बढ़े इसके बाद इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है केमिकल क्लासिफिकेशन फिजिकल क्लासिफिकेशन के बाद आती है बच्चों केमिकल क्लासिफिकेशन मैटर का जो केमिकल क्लासिफिकेशन है बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ठीक है और कैसे किया गया है वो क्लासिफिकेशन देखते हैं ये मैटर है बच्चों ठीक है ना ये क्या है बच्चों ये मैटर है आइए देखते हैं चलिए एक बार समराइज कर लेते हैं इसे ये देखिए जी फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात हम लोगों ने कर ली सॉलिड लिक्विड गैसेस सॉलिड लिक्विड और गैसेस ठीक है ना सॉलिड के अंदर आपने बता दिया शेप वॉल्यूम दोनों फिक्स लिक्विड में वॉल्यूम फिक्स लेकिन शेप नहीं फिक्स गैस में ना शेप फिक्स ना वॉल्यूम फिक्स कुछ भी फिक्स नहीं सब कुछ राम भरोसे ना shape, ना uh, है, ना फेस शेप शेप फिक्स फिक्स है 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 वॉल्यूम ही ठीक अब आते हैं बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है केमिकल क्लासिफिकेशन में बच्चों क्या होता है केमिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर करते हैं क्लासिफिकेशन चलिए आइए देखते हैं क्या है क्लासिफिकेशन दो तरह के होते हैं एक पहली कैटेगरी आती है इसमें केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस ठीक है और दूसरी आती है बच्चों मिक्सचर प्योर सब्सटेंस दूसरी आती है मिक्सचर फर्स्ट कैटेगरी इज प्योर सब्सटेंस सेकंड कैटेगरी इज मिक्सचर ठीक है अब बच्चों प्योर सब्सटेंस क्या होता है प्योर सब्सटेंस क्या होता है प्योर सब्सटेंस दो कैटेगरीज में आता है प्योर सब्सटेंस की दो कैटेगरीज होती हैं अपन प्योर सब्सटेंस को एलबोरेट करने जा रहे हैं प्योर सब्सटेंस की बेसिकली दो कैटेगरीज होती हैं फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट्स एंड सेकेंड इज कॉम्पाउंड फर्स्ट इज एलिमेंट्स एंड सेकेंड इज कॉम्पाउंड अगर मैं एलिमेंट्स और कॉम्पाउंड देखू तो एलिमेंट्स क्या होते हैं एलिमेंट वे सबस्टांसेस होते हैं जिनके अंदर केवल एक तरह के आइटम होते हैं कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स एलिमेंट्स आर दो सब्सटेंसेस जिनमें केवल एक ही प्रकार के एटम्स होते हैं जैसे कार्बन एक एलिमेंट है सिलिकन एक एलिमेंट है ऑक्सीजन एक एलिमेंट है हाइड्रोजन एक एलिमेंट है नाइट्रोजन एक एलिमेंट है सोडियम एक एलिमेंट है ईटीसी भी एक एलिमेंट ईटीसी <laughs> मतलब ये कुछ एग्जांपल्स हमने लिए एलिमेंट्स के दीज आर एलिमेंट्स इनके सारे एटम्स एक ही टाइप के होते हैं इनके सारे एटम्स एक ही टाइप के होते हैं कंपाउंड में क्या होता है कंपाउंड्स में होता है कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ आइटम्स कंपाउंड्स के अंदर जो एटम्स होते हैं वो एक से ज्यादा तरह के होते हैं कंपाउंड्स में एक से ज्यादा तरह के एटम्स होते हैं फॉर एग्जांपल एच टू ओ एच टू ओ सी ए थ्री एच टू ओ सी ए थ्री ठीक है एन ए टू एसओ फोर एन एल कंपाउंड हमेशा दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के मिलने पर बनते हैं दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के मिलने पर बनते हैं जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स मिलते हैं तब कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है ठीक है दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स जब मिलते हैं तब कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है मेरी बात बिल्कुल क्लियर है अब प्योर सब्सटेंस की खास बात क्या है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर मैं देखूं एच की बात करूं अगर तो एच में चाहे तुम तो कहीं से भी ले आओ दो ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन कर रही होगी तब मिला के अठारह ग्राम हाइड्रोजन का एक मोल बनेगा मतलब इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो मासेस का रेशो है अगर मैं आपसे कहूं वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मासेस का जो रेशो है वो है टू इज टू सिक्सटीन या फिर वन इज टू एट तो मैं गलत तो नहीं हूं बिल्कुल सही हूं इसका मतलब वॉटर इज अ प्योर सब्सटेंस बिकॉज वॉटर के अंदर जो मासेस है दैट इज ऑलवेज तो प्योर सब्सटेंस की पहचान यह होती है कि प्योर सब्सटेंस के अंदर जो कॉम्पोनेंट होते हैं उनका रेशो ऑफ मासेज हमेशा कॉन्स्टेंट होता है रेशो ऑफ मासस ऑफ कंपोनेंट्स

मिक्सर होते हैं बच्चों दो तरह के कौन कौन से एक तो होते हैं होमोजिनस और दूसरे होते हैं हाइड्रोजीनस एक तो होते हैं होमोजिनस और एक होते हैं हेड्रोजिनस ठीक है मिक्सचर का क्या मतलब है मिक्सर का सिंपल सा मीनिंग है मिक्सर का मतलब मिलाया गया मिक्सचर का मतलब है मिलाया गया हाँ ना मिक्सर का क्या मतलब मिक्सचर का मतलब मिलाना मिक्सचर जो मिला के बना है वो मिक्सचर मिक्सचर जो मिला के बना वो मिक्सचर तो व्हाट इज होमोजेनस मिक्सचर होमोजेनस मिक्सचर व्हाट इज होमोजेनस मिक्सचर होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है बच्चों विच हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर पूरे मिक्सचर की कंपोजिशन जब सिमिलर होगी सेम होगी यूनिफॉर्म होगी एक जैसी होगी तब मैं कहूंगा कि मिक्सचर जो है वो एक होमोजेनस मिक्सचर है फॉर एग्जांपल एक कंटेनर है कंटेनर में थोड़ा सा पानी भरा पानी भरा और पानी में थोड़ा सा नमक घोल दिया अब ये जो तो नमक का पानी है ये इसका टेस्ट थ्रू आउट एक जैसा होगा जितना नमकीन ये यहां से होगा उतना ही यहां से होगा और उतना ही यहां से होगा हाँ या ना तो ये एक यूनिफॉर्म मिक्सचर है ये एक होमोजेनस मिक्सचर है क्या है होमोजेनस मिक्सचर है तो ये क्या है ये होमोजेनस मिक्सचर है होमोजिनस मिक्सचर और होमोजेनस मिक्सचर को हम लोग एक और नाम भी देते हैं ये बेसिकली एक ट्रू सॉल्यूशन है होमोजेनस मिक्सचर है या फिर एक ट्रू सॉल्यूशन है ठीक है ना इसे हम लोग ट्रू सोल्यूशन भी बोल सकते हैं ये एक ट्रू सोल्यूशन ठीक है भैया इसके बाद आओ मिक्सचर वॉट इज हेड्रोजिनस मिक्सचर हेड्रोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसकी कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर सेम नहीं होती या मैं इसको बोलूं डिफरेंट कंपोजिशन थ्रू आउट द डिफरेंट कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर ठीक है डिफरेंट कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर कि जो मिक्सचर की कंपोजिशन होती है वो डिफरेंट होती है मिक्सचर की जो कंपोजिशन होती है वो पूरे मिक्सचर में एक जैसी नहीं होती पूरे मिक्सचर में एक जैसी नहीं होती जैसे इसी बर्तन में क्या किया इसी बर्तन में हमने क्या किया पानी ले लिया और अब इसी बर्तन में हमने क्या किया पानी लिया पानी लेके इसमें तेल डाल दिया थोड़ा सा सरसों का तेल या कोई भी तेल डाल दिया ठीक है और तेल डाल के शेक कर दिया थोड़ी देर बाद रख दिया तो आप देखोगे तेल तेल ऊपर आ जाएगा यह तेल है अब आप देखो इस मिक्सर की कंपोजिशन हर जगह सेम नहीं है यहां से चले आप यहां से यहां तक केवल तेल है तेल के बाद फिर पानी पानी है तो क्या यह मिक्सर होमोजिनस है नहीं है होमोजिनस ये मिक्सर फिर क्या है यह मिक्सर हेड्रोजिनस है यह मिक्सर क्या है फिर हेड्रोजिनस है है ना ये मिक्सर क्या हैड्रोजिनस मिक्सर का एग्जांपल जो हम सबके घरों में मौजूद होता है सबके घरों में होता है कोई ऐसा घर नहीं है इंडियन हाउस होल्ड जहां पर आपको हाइड्रोजिनस मिक्सर नहीं मिलेगा हाइड्रोजनस मिक्सर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल दालमोट नमकीन 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 भी तो एक हाइड्रोजिन ही है यार होमोजेनस होमोजिनसा होती है चार चीजें मिला के नमकीन बना लो और मिलाने के बाद फिर एक मुठ्ठी में नमकीन उठाओ तुम चार बार अलग अलग नमकीन उठाओगे चारों बार हर एक चीज का जो अमाउंट आएगा वो अलग अलग आएगा नमकीन इज हाइड्रोजिनस मिक्सचर वहीं पर अगर तुम पानी का शरबत बना लो चीनी घोल के तो वो शरबत की जो कंपोजिशन होगी वो थ्रू आउट सेम होगी होगी कि नहीं होगी और कंपोजिशन थ्रू आउट सेम होने की वजह से क्या होगा वो एक होमोजेनस मिक्सचर होगा कोका कोला कोका कोला बराबर मीठी होती है ना ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसा तो नहीं होता ना ऊपर वाली ज्यादा मीठी नीचे वाली कम मीठी और सबसे बॉटम वाली बिल्कुल फीकी ऐसा तो नहीं होता ना तो कोका कोला भी एक होमोजेनस मिक्सचर है कोका कोला भी एक क्या है कोका कोला भी एक होमोजेनस मिक्सचर है तो हर एक वो मिक्सचर होमोजेनस है जिसकी कंपोजिशन नहीं बदल रही है हर एक वो मिक्सर होमोजेनस है जिसकी कंपोजिशन नहीं बदल रही है अच्छा होमोजेनस मिक्सर जो है जो होमोजेनस मिक्सर है या हाइड्रोजेनस मिक्सर है वो भी दो चीजों को मिला के बन रहा है और कंपाउंड भी दो एलिमेंट या दो से ज्यादा एलिमेंट को मिला के बन रहा है कंपाउंड भी दो एलिमेंट या दो से ज्यादा एलिमेंट को मिला के बन रहा है तो अगर कोई मुझसे पूछ ले कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड तो मिक्सचर और कंपाउंड में अगर कोई मुझसे पूछेगा कि डिफरेंस क्या होता है मिक्सचर और कंपाउंड में अगर कोई पूछेगा कि डिफरेंस क्या होता है तो हम क्या आंसर करेंगे मिक्सचर और कंपाउंड में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है बेसिकली मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस ये होता है कि कंपाउंड डज नॉट एग्जिबिट प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स सॉरी कॉम्पोनेंट्स वाइल मिक्सचर डज कंपाउंड मिक्सचर की कंपाउंड अपने कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी नहीं दिखाता मिक्सचर दिखाता है जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन की रिएक्शन करो Cl2 के साथ HCl बनेगा ना ये एसिड है ना ये एसिड है HCl एसिड है तो इसकी अपनी अलग प्रॉपर्टीज है इसकी अपनी अलग पहचान है इसकी अपनी अलग प्रॉपर्टी है इसकी अपनी अलग पहचान है तो ये एसिड है तो कंपाउंड है ये हाइड्रोजन गैस है ऑक्सीजन गैस है रिएक्शन करोगे पानी बनेगा पानी लिक्विड है पानी लिक्विड है इसकी अपनी अलग पहचान है लेकिन अगर तुम नमकीन में मान लो काजू डाल दो दाल डाल दो मूंगफली डाल दो काजू डाल दो दाल डाल दो मूंगफली डाल दो और मिला लो तो टेस्ट टेस्टों का तो आएगा उन्हीं चीजों का तो टेस्ट आएगा शरबत बनाओगे पानी में चीनी घोल ली तो पानी में चीनी का टेस्ट ही तो आएगा पानी में चीनी घोल लोगे तो पानी में चीनी का टेस्ट ही तो आएगा तो पानी में चीनी इज नॉट अ कंपाउंड पानी में चीनी इज अ मिक्सचर पानी में चीनी इज मिक्सचर सिंपल ठीक है तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कॉम्पाउंड तो ये हम लोगों ने बात कर ली फिजिकल फिजिकल क्लासिफिकेशन की ये हमारी बात हो गई केमिकल क्लासिफिकेशन की ये देख लीजिए मिक्सचर होमोजेनस नाइट्रोजेनस के एलिमेंट्स और कंपाउंड्स ये सारी बातें हम लोग अब कर चुके हैं एक क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा विच इज विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे एग्जाम्पल ऑफ मैटर इनमें से कौन सा है अकॉर्डिंग टू द फिजिकल स्टेट सॉलिड लिक्विड गैस या ऑल ऑफ दीज क्या रूम टेम्परेचर और क्या रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे सॉलिड से एग्जिस्ट करते हैं हाँ सर बिल्कुल करते हैं हाँ सर बिल्कुल करते हैं क्यों नहीं करते मैं सॉलिड हूँ रूम टेम्परेचर प्रेशर पे कहूं बोर्ड सॉलिड है यह मार्कर सॉलिड है तुम सॉलिड हो करते हैं सर लिक्विड्स करते हैं हाँ जी करते हैं बोतल में भरा पानी लिक्विड है बोतल में भरा पानी लिक्विड है पानी पीते हैं रूम टेम्परेचर प्रेशर पे तो पीते हैं गैस करती है हाँ जी करती है एयर कर रही है ना अगर एयर एग्जिस्ट नहीं करती तो सांस कैसे लेते अगर एयर एग्जिस्ट नहीं करती तो हम लोग सांस कैसे लेते एयर एग्जिस्ट करती है ना तो इसका मतलब रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों एग्जिस्ट करते हैं तीनों एग्जिस्ट करते हैं कई बार रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे सॉलिड लिक्विड का कंजम्पन अगर हो जाए और कोई ऐसा कॉम्बिनेशन सॉलिड लिक्विड का कंज्यूम कर लिया जाए तो फिर गैस का डिस्चार्ज भी होता है होता है ना जैसे मूली के पराठे सॉलिड है और लस्सी लिक्विड है इन्हें अगर आप एक कॉम्बिनेशन में खा लेंगे तो फिर गैस के धमाके होंगे रूम टेम्परेचर और प्रेशर में लगातार और मतलब आसपास का जो वातावरण है वो काफी प्रदूषित हो जाएगा दिल्ली की तरह अगला प्रश्न फॉलोइंगर द टाइप्स ऑफ द कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिकोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज मैं आपको बता चुका हूं केमिस्ट्री की फिजिकल केमिस्ट्री के अलावा दो तरह की ब्रांचेस और होती हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन के अलावा इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करती है जब ब्रांचेस दो हैं तो इसका मतलब कंपाउंड भी कितने प्रकार के होंगे दो प्रकार के होंगे दैट मीनस इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों ही प्रकार के कंपाउंड नेचर में एग्जिस्ट करते हैं आंसर इज बोथ बी नेक्स्ट विच ऑफ दमोजेनस मिक्सचर होमोजेनस मिक्सचर वॉटर प्लस सैंड हाइड्रोजेनस है बारी में रेत डालिए थोड़ी देर बाद रेत नीचे बैठ जाएगी पानी पानी ऊपर आ जाएगा रेत नीचे बैठ जाएगी ठीक है ना हाइड्रोजेनस है पानी में तेल का एग्जाम्पल तो मैंने आपको दे ही दिया कि तेल ऊपर आ जाएगा पानी नीचे बैठ जाएगा बचा वाटर प्लस अल्कोहल ये होमोजेनस मिक्सचर है लड़के खुश होगा इस मिक्सचर को देख के कहते ये वाला मिक्सचर तो पता है सर हमें ये तो हम जानते ये हमने देखा है सर बनते हुए ये हमने देखा है सर बनते हुए और ये हम बनाएंगे भी फ्यूचर में कभी ना कभी जरूर वाटर प्लस अल्कोहल वाटर में अल्कोहल डालेंगे सीधे घुल जाएगा पानी के अंदर है ना होमोजेनस मिक्सचर बनेगा नेक्स्ट वो ऑफ द फॉलोइंग इज इसे कंपाउंड ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कंपाउंड, ठीक है ग्रेफाइट प्रोड्यूसर गैस सीमेंट और मार्बल देखिए इसमें जो प्रोड्यूसर गैस होती है जिसमें प्रोड्यूसर गैस होती है प्रोड्यूसर गैस तो बेसिकली होती है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस सीएच फोर ऐसे कई सारी गैसेस का एक मिक्सचर होती है कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन प्लस सीएच फोर और कई सारी गैसेस का एक मिक्सचर होती है इसे प्रोड्यूसर गैस कहते हैं तो ये तो गैसेस का मिक्सचर है गैसेस गैसेस मिलके मिक्सचर बनाती है कंपाउंड तो नहीं बनाएंगे तो ये तो मिक्सचर हो गया प्रोड्यूसर गैस जो है ये क्या हो गया बच्चा ये एक हो गया मिक्सचर ऐसे ही सीमेंट भी जो होता है सीमेंट भी होता है, है मिक्सचर सीमेंट भी एक प्रकार का मिक्सचर ही होता है सीमेंट भी कंपाउंड नहीं होता सीमेंट भी मिक्सचर होता है और इस मिक्सर की जो कंपोज मिक्सर होता है ये हमें कैसे पता आप हर एक ब्रांड का सीमेंट खरीद ले आएंगे विराट अंबुजा सीमेंट की कुछ और कंपोजिशन होगी बिलानी सीमेंट की कुछ और कंपोजिशन होगी किसी और सीमेंट की कुछ और कंपोजिशन होगी हल्का हल्का कंपोजिशन में हर ब्रांड के सीमेंट में अंतर होता है तो सीमेंट भी कंपाउंड नहीं है सीमेंट भी एक मिक्सचर है तो अब बचा ग्रेफाइट और मार्बल तो ग्रेफाइट भी एक प्योर सब्सटेंस है और केमिकली ग्रेफाइट होता है कार्बन जो कि होता है एक एलिमेंट तो इसका मतलब मार्बल ही बचा मार्बल हमारा आंसर होगा मार्बल होता है CaCO3 कैल्सियम कार्बोनेट और मार्बल एक बेसिकली क्या है CaCO3 है एक से ज्यादा एलिमेंट मौजूद है एक से ज्यादा एलिमेंट मौजूद है और जब एक से ज्यादा एलिमेंट मौजूद होता है तो उसे हम लोग कंपाउंड कहते हैं क्या कहते हैं कंपाउंड कहते हैं तो ग्रेफाइट एक एलिमेंट है और ये जो मार्बल है मार्बलवा एक कंपाउंड ठीक है मार्बलवा जो है वो एक कंपाउंड है अगला प्रश्न ये रहा आपकी कॉपी पे सॉरी ये रहा आपकी स्क्रीन पे फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू बड़ी बड़ी बातें करने लगे हम लोग इज और आर ट्रू मतलब एक से ज्यादा भी सत्य हो सकते हैं दहशत वाला माहौल है पहला एन एलिमेंट ऑफ अ सब्सटेंस कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स क्या ये सही है या गलत है डेफिनेशन में लिखाया है मैंने इट कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स कंपाउंड कैन बी डीकंपोज इन टू इट्स कॉम्पोनेंट्स ये भी बिल्कुल सही है यह भी बिल्कुल सही है सी ऑल बिल्कुल सही है मिक्सचर को ही तो सोल्यूशन कहते हैं होमोजेनस मिक्सचर को ही तो क्या कहते हैं सोल्यूशन कहते हैं ना ऑल ऑफ दीज भैया सारे सही है तो सारे सही लेकिन हम तीन अलग अलग ऑप्शन मारने की जगह सीधे एक ही ऑप्शन मार देंगे ऑल ऑफ दीज एक कंपाउंड को हम डिकम्पोज कर सकते हैं उसके कंपोनेंट्स के अंदर इसे कहते हैं। इसे कहते हैं। की सहायता से इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से इसको इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं एन ए प्लस हाफ सी एल टू इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं ये आप लोग बारहवीं क्लास में सीखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में तो किसी कंपाउंड को उसके कंपोनेंट्स में तोड़ा जा सकता है ठीक है इट इज पॉसिबल तो बच्चों अब बात करेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट की मैटर के बारे में हम जान गए क्लासिफिकेशन कर लिया मैटर का अब मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं ठीक है मैटर की प्रॉपर्टीज होती है दो तरह की पहली होती है बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज में कई सारी प्रॉपर्टीज आती हैं कलर आ गया ऑर्डर आ गई मेल्टिंग पॉइंट आ गया बॉइलिंग पॉइंट आ गया ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये मैटर ये मैटर की फिजिकल अपियरेंस को शो करती हैं कोई चीज़ किस रंग की दिख रही है उसकी खुशबू कैसी है उसका रंग क्या है और फिजिकल प्रोसेस जो फिजिकल चेंजेस होते हैं जैसे मेल्टिंग है बॉइलिंग है इनको इंडिकेट करती है फिजिकल चेंजेस को इंडिकेट करती है फिजिकल चेंजेस के दौरान मैटर की आइडेंटिटी नहीं बदलती केवल उसकी स्टेट बदलती है आइस को मेल्ट करो पानी बन जाएगा पानी को बॉइल करो वॉटर की वेपर बन जाएगी लेकिन रहेगा वो वॉटर ही आइडेंटिटी विल नॉट चेंज ठीक है अब केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी को मेजर करती है कोई चीज एसिड से रिएक्ट कर सकती है क्या कोई चीज बेस से रिएक्ट कर सकती है क्या कोई चीज कंबस्टिबल है क्या उसका कम्बस्टन करा सकते हैं क्या ये सारी प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाते हैं अब केमिकल प्रॉपर्टीज जब कहलाती हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज को नापने के लिए हमें चाहिए होते हैं केमिकल रिएक्शन तो केमिकल प्रॉपर्टीज बिना केमिकल चेंज के कभी नहीं होंगी देयर विल नेवर अ केमिकल प्रॉपर्टी का मेजरमेंट विदाउट एनी केमिकल चेंज जैसे मान लो तो तुम्हें सीएच फोर की कंबस्टिबिलिटी चेक करनी है कि CH4 फोर कंबस्टेबल है या नहीं तो तुमने सीएच फोर को क्या किया ऑक्सीजन से कंबस्ट कर दिया तो जब सी एच फोर को ऑक्सीजन से कंबस्ट करोगे तो बनेगा सीओ टू प्लस वॉटर अब तुम किसकी कंबस्टिबिलिटी चेक कर रहे थे CH4 की? लेकिन वेसल में क्या बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सी एच फोर तो गायबी हो जाएगी तो इसका मतलब जब जब केमिकल प्रॉपर्टी की मेजरमेंट होगी तब मैटर की आइडेंटिटी बदल सकती है जैसे यहां पर देखो सी एच फोर की बदल गई सीओ टू और एच टू ओ मिल गया आपको वेसल में फाइनली सी एच फोर है ही नहीं ठीक है ना अब आते हैं प्रॉपर्टीज का मेजरमेंट करने और मेजरमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है समझना मेरी बात को ध्यान से देखो मेजरमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यूनिट्स ये यूनिट्स सोचने में बड़ी वेग सी चीज लगती है कि भाई यूनिट्स की क्या इंपॉर्टेंस है लेकिन अगर तुम सोच के देखो तो यूनिट्स के बिना तुम मेजरमेंट कर ही नहीं सकते ज इम्पॉसिबल टू डू मेजरमेंट विदाउट यूनिट्स सपोज तुम्हारी ग्रोसरी लिस्ट है एक किलो राइस खरीद के लाने हैं एक डजन केले खरीद के लाने हैं इसके लिए मार्केट जाना है जो तुम्हारे घर से दो किलोमीटर की दूरी पर है ये एक किलो राइस में केजी, बनाना के लिए डजन डिस्टेंस के लिए किलोमीटर ये क्या है ये यूनिट्स है और इन यूनिट्स में आप फिजिकल प्रॉपर्टीज का मेजरमेंट कर पा रहे हैं। इन यूनिट्स में आप फिजिकल प्रॉपर्टीज का मेजरमेंट कर पा रहे हैं <k muscularrupt noise> फिजिकल प्रॉपर्टीज का मेजरमेंट कर पा रहे हैं। ये यूनिट्स अगर नहीं होती तो आप मेजरमेंट कर ही नहीं पाते सोच के देखिए सब्जी वाले के पास जाते भैया सेब देना कितने जितने तुम्हारे मन करे उतने दे दो इतने जो थैली में इतने आ जाए इतने इतने बड़े भैया आटा देना कितना इतना दोस्तों से बात करते कर यार तेरा घर बड़ा दूर है तेरे घर जाने के लिए मेरे को कितना पता है कितना चल के आना पड़ा कितना पैदल चला मैं बोला कितना कितना तो उतना ही पैदल चला जितना मैं उस दिन भागा था जब उसके पापा ने मुझे उसके साथ देख लिया था उतना ही चल के आया हूँ मैं थक गया बिल्कुल हालत खराब हो गई मेरी जबकि डिस्टेंस के साथ यूनिट्स के साथ ये कितना ईजी है कितना चल के आया भाई दो किलोमीटर भैया एक किलो सेब देना भैया एक किलो अमरूद देना तो यूनिट्स एक ऐसी चीज है जिसकी मदद से आप मेजरमेंट को इजीली एक्सप्रेस कर सकते हो मेजरमेंट को इजीली एक्सप्रेस कर सकते हो अब यूनिट्स में प्रॉब्लम क्या है यहां पर फंडा क्या है वो फंडा ये है यूनिट्स के अंदर कि भैया डिफरेंट टाइप की यूनिट्स जो होती हैं वो अलग अलग जगहों पर यूज होती हैं ये बड़ी समस्या क्रिएट हो गई भाई दुनिया में लोगों को समझ में आ गया कि यूनिट्स की मदद से हम काम कर सकते हैं यूनिट्स की मदद से हम चीजों को एक्सप्रेस कर सकते हैं मेजरमेंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं और लोगों ने अपने अपने हिसाब से यूनिट बना ली जैसे डिस्टेंस की यूनिट कई जगह माइल यूज होती है कई जगह फॉर लॉन्ग यूज होती है कई जगह यार्ड यूज होती है कई जगह किलोमीटर यूज होती है मास की यूनिट कहीं किलोग्राम यूज होती है कहीं पाउंड यूज होती है अब समस्या क्या पैदा है समस्या यह पैदा है एक इंडियन साइंटिस्ट है वो यूके गया इंग्लैंड यूके उत्तराखंड नहीं इंग्लैंड इंग्लैंड गया तो इंग्लैंड में जाके बोला उसे सेब खाने की आदत है सेब वाले के पास गया और बोला गिव मी वन किलोग्राम ऑफ एप्पल्स तो बोला व्हाट इज वन किलोग्राम आई डू नॉट नो बिकॉज वी तो यूज पाउंड पाउंड ये सारे अंग्रेजी फैशनेबल चीजें हैं ये आउंस है पाउंड है ये फैशनेबल यूनिट्स है सारी की सारी फैशन वाली यूनिट्स हाई क्लास गरीबों के यूनिट यूनिट किलोग्राम है भाई सेब नहीं खा पा रहा है उसे पता ही नहीं लग रहा क्या करना तो इन समस्याओं से बचने के लिए सपोज आप एक साइंटिस्ट हैं आपको किसी कॉन्फ्रेंस में जाना है कॉन्फ्रेंस इंडिया से बाहर है तो अब आप क्या कर रहे हैं आप यूनिट्स याद कर रहे हैं कि जिस कंट्री में वो कॉन्फ्रेंस है वहां पर कौन कौन सी यूनिट्स यूज होती हैं ताकि जब आपका डिस्कशन हो तो आप सवालों का जवाब दे पाए इन समस्याओं से बचने के लिए 1791 में फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस ने एक यूनिट्स का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जो कि आज वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है इस सिस्टम को हम कहते हैं एस SI आई यूनिट सिस्टम क्या कहते हैं एस SI आई यूनिट सिस्टम यह वर्ल्ड वाइड अडेप्टेड सिस्टम है और आज की तारीख में इट इज द ओनली ऑफिशियली अलाउड सिस्टम फॉर ऑल द पर्पजेज ऑफ साइंटिफिक मेजरमेंट साइंटिफिक मेजरमेंट के पर्पज के लिए इट इज द ओनली स्केल विच इज अलाउड राइट नाउ दीज डेज तो एस आई यूनिट जो होती है इसकी खास बात क्या है इसकी खास बात यह है कि एस आई यूनिट्स में जो क्वान्टिटीज होती है दो हिस्सों में बांट दिया गया दो हिस्सों में बांट दिया गया पहला हिस्सा क्या था क्वांटिटीज को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया फर्स्ट कैटेगरी वॉज फंडा मेंटल क्वांटिटीज ऐसा ही यूनिट सिस्टम में कहा गया कि मैटर की सात ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो उसके अंदर पहले से मौजूद होती हैं जिसको आप कहीं और से पैदा नहीं कर सकते जिसको आप किसी और क्वांटिटी की सहायता से ड्राइव नहीं कर सकते दीज क्वान्टिटीज एज फंडामेंटल क्वांटिटीज दीज क्वांटिटीज वर नेम्ड एस फंडामेंटल क्वांटिटीज इन्हें फंडामेंटल क्वांटिटी बोला गया कौन कौन सी होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज फर्स्ट इज लेंथ लेंथ का सिंबल होता है स्मॉल एल यूनिट होती है इसकी मीटर मास मास को नापा जाता है किलोग्राम में टाइम सेकंड में इलेक्ट्रिक करंट को नापते हैं एम्पियर्स में टेम्परेचर को नापते हैं केल्विन में ल्यूमिनस इंटेंसिटी नापती है कैंडेला में और अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस को नापा जाता है अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मोल जो कि हमारी कहानी का इस चैप्टर का हीरो है मोल इन सेवन फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में बहुत डिटेल में आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे इसलिए हम यहां पर बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं जिक्स में आप इसकी बात बहुत ज्यादा करेंगे हमें जिस यूनिट की बात करनी है वो यूनिट है मोल ठीक है दूसरी यूनिट्स एक तो फंडामेंटल यूनिट्स बनाई इसने फंडामेंटल क्वांटिटीज बनाई दूसरी क्वांटिटीज बनाई इसने ड्राइव क्वांटिटीज ये वो प्रॉपर्टीज होती हैं उन प्रॉपर्टीज का मेजरमेंट है जो इनसे इन सातों से मिलकर बनती है इन सातों में किन्हीं से भी बना सकते हैं फॉर एग्जाम्पल मोमेंटम फॉर एग्जाम्पल मोमेंटम तो मोमेंटम क्या है मास इंटू वेलोसिटी ड्राइव यूनिट है मास इंटू वेलोसिटी फॉर एग्जांपल डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम वॉल्यूम अपने आप में एक ड्राइव यूनिट है लेंथ 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 हाइट तो length into length into length, बना. Area, तो वॉल्यूम एरिया ये सारे के सारी ड्राइव क्वांटिटीज हैं बहुत सारी ड्राइव क्वांटिटीज आपके सामने आएंगी एसआई यूनिट सिस्टम में जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ एसआई सिस्टम इज प्रीफिक्स यूज विद यूनिट यह सबसे बड़ा एडवांटेज है जो किसी भी और यूनिट सिस्टम में नहीं था किसी भी और यूनिट सिस्टम में नहीं था थी? किसी भी और यूनिट सिस्टम में यह चीज नहीं थी जो इसमें है देखो हर यूनिट को हर चीज में यूज नहीं कर सकते फॉर एग्जाम्पल तुम कपड़ा खरीदने गए तुम्हें शर्ट पैंट सिलवानी है शर्ट पैंट खरीदने के लिए कपड़ा सिलवाने गए कपड़ा लेने गए कपड़ा मीटर में नापा जाएगा कपड़ा मीटर में नापा जाएगा ठीक है कपड़ा किस में नापा जाएगा मीटर में नापा जाएगा वहीं तुम्हें एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो मीटर में डिस्टेंस नहीं नाप सकते मीटर में डिस्टेंस नहीं नाप सकते है ना उसे किलोमीटर में नापा जाएगा आलू लेने जाओ किलो में नापा जाएगा एक किलो दो किलो चार किलो पांच किलो किलो में तो नापोगे गोल्ड खरीदने जाओ किलो में नहीं खरीद सकते एक किलो गोल्ड खरीदने में ऐसी तैसी हो जाएगी ग्राम में नापा जाएगा उसे ग्राम में नापा जाएगा है तो किलोग्राम ग्राम मीटर किलोमीटर इसके लिए इन सारी यूनिट्स को आपस में रिलेट करने के लिए एसआई SI सिस्टम ने कुछ ऐसे प्रीफिक्स बना के दिए जो कि हम यूज करते हैं टू इंक्रीज और डिक्रीज द क्वान्टिटी टू इंक्रीज या डिक्रीज द क्वान्टिटी ठीक है ना टू इंक्रीज और डिक्रीज द क्वान्टिटी क्वान्टिटी का अगर हमें बड़ा करना है सपोज कोई बड़ी चीज नापनी है जैसे डिस्टेंस है तो मीटर से किलोमीटर जाना है तो बड़ा करना है तो किसी से किलो से मल्टीप्लाई कर दिया छोटा करना है मान लो पिकोमीटर करना है छोटा करने के लिए दूसरे प्रिफिक से मल्टीप्लाई कर दिया तो किसी भी क्वांटिटी के स्कोप को छोटा या बड़ा करने के लिए डू वी डू इज वी यूज दीज प्रिफिक्सिस हाउ डू वी यूज देखिए जैसे डेसी है तो अगर किसी चीज को आपको डेसी बनाना है तो आप उसमें टेन टू दी पावर माइनस वन का मल्टीप्लाई कर देंगे ये सारे एग्जांपल मैंने आपको सामने मीटर से लगा के दिखाए जैसे अगर आप मीटर है एक मीटर इसमें टेन टू दर माइनस वन का मल्टीप्लाई कर देंगे एक मीटर है आपके पास इसमें अगर आप टेन टू दी पावर माइनस वन का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कहलाएगा एक डेसीमीटर एक डेसीमीटर ठीक है टेन टू दावर माइनस टू का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह कहलाएगा सेंटीमीटर टेन टू दावर माइनस थ्री का मल्टीप्लाई कर देंगे मिली टेन पावर माइनस सिक्स यह कहलाएगी माइक्रो टेन पावर माइनस नाइन नैनो 10 पावर माइनस ट्वेल्व पिको 10 पावर माइनस फिफ्टीन हिमटो माइनस एटीन जैसे अगर मैं 10 पावर 1 मीटर है इसमें 10 पावर माइनस एट्टीन का मल्टीप्लाई कर दूं, 1 मीटर है इसमें मैं 10 की पावर माइनस एटीन का मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैं इसको कह सकता हूं तो मैं इसको कह सकता हूं जैसे मेरे पास 10 टू दी पावर माइनस मीटर है तो मैं टेन टू दी पावर माइनस एटीन मीटर को यह फैसिलिटी केवल यहीं पर है यह फैसिलिटी केवल यहीं पर है कि कहीं पर अगर यह लिखा है टेन टू दि पावर माइनस एटीन मीटर तो मैं इसे कह दूंगा कि यह लिखा हुआ है वन वन ऐसे कहीं लिखा हुआ है फोर इंटू टेन टू दावर माइनस नाइन मीटर तो इस टेन टू दावर माइनस नाइन मीटर को मैं कह सकता हूं फोर नैनोमीटर फोर नैनोमीटर तो यह फैसिलिटी किसी और सिस्टम में नहीं है ये फैसिलिटी किसी और सिस्टम में नहीं है ऐसे ही यहां तक यहां तक अट्टो तक ये प्रीफिक्सेस वो हैं जिनसे लगाने पर क्वांटिटी का साइज कम होता जाएगा डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो और अट्टो ये वो हैं जिन्हें लगाओगे तो क्वांटिटी कम होती जाएगी देखो ना टेन की पावर माइनस वन का मतलब जीरो पॉइंट वन मीटर इसका मतलब जीरो पॉइंट जीरो वन जीरो पॉइंट जीरो जीरो तरीके से क्वांटिटी लगातार छोटी होती जा रही है यहां से शुरू करेंगे डेका से। तो एक मीटर इज टेन टेन से मल्टीप्लाई कर दोगे डेका तो देखो मीटर को डेका मीटर मतलब टेन मीटर हेक्टो हेक्टो इज तो पार टू ठीक है इसके बाद किलो टेन टू तो द्री मेगा टेन पावर सिक्स गीगा टेन पावर नाइन टेरा टेन पावर ट्वेल्व पेटा टेन पावर फिफ्टीन और एक्सा टेन पावर एटीन तो यहां से लेकर यहां तक क्वांटिटी का साइज छोटा हो रहा है और यहां से लेकर यहां तक डेका से लेकर एक्सा तक क्वांटिटी का साइज क्या हो रहा है बड़ा हो रहा है क्वांटिटी का साइज क्या हो रहा है बड़ा हो रहा है तो इन प्रीफिक्सिस की सहायता से आप क्वांटिटी का साइज छोटा या बड़ा कर सकते हो छोटा या बड़ा कर सकते हो सपोज करो सपोज करो आपको एक चीज है जिसका वेट लेटस से मैं कह रहा हूं कि सपोज करो आपको एक चीज है जिसका जो वेट है वो टेन टू पावर नाइन किलोग्राम है सपोज करो जिसका वेट है टेन टू पावर नाइन किलोग्राम तो किसी चीज का वेट अगर टेन टू दी पावर नाइन किलोग्राम है चलिए वेट में छोड़िए डिस्टेंस में लेते हैं कहीं किसी को दूरी को नापना है वो टेंटो जी नाइन मीटर है टेंटोर नाइन मीटर है तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। गीगा मीटर क्या हो जाएगा गीगा मीटर मीटर का प्रयोग ये गीगा का प्रयोग सुना है आप लोगों ने गीगा का प्रयोग सुनाया आप लोगों ने सब लोगों ने सुना है सुना है ना आठ जीबी रैम एक सौ मेमोरी बारह जीबी रैम एक दो सौ छप्पन जीबी मेमरी वॉट इज जीबी और एक वो बुढ़ाऊ रजनीकांत की पिक्चर आई थी ना रोबोट याद है रोबोट हाँ जी रोड मेमोरी वन टेराबाइट, आजकल तो टेराबाइट के आने लगे लैपटॉप टेराबाइट के आने लगे टेन टू दिपार बारह बाइट्स के है ना अब तो गीगा भी पुराना हो गया अब तो लैपटॉप्स में टेराबाइट्स में आ रही है मेमोरी नहीं तो डेका डेक्टो टेराबाइट का मतलब कितना ज्यादा हो गया इस तरीके से प्रिफिक्स लगाए जाते हैं अब बात करते हैं कुछ जरूरी जरूरी कन्वर्जन की जो आपको यूज करने हैं थ्रू आउट द केमिस्ट्री जरूरी जरूरी कन्वर्जेंस है जो आपको यूज करने हैं थ्रू आउट द केमिस्ट्री जैसे लेंथ के कन्वर्जेंस की बात करूं लेंथ के कन्वर्जन में होता है एक मीटर एक मीटर बराबर होता है सौ सेंटीमीटर ठीक है ना या फिर इसे ऐसे लिखूं एक मीटर बराबर होता है दस डेसीमीटर, बराबर होता है सौ सेंटीमीटर और बराबर होता है हजार मिलीमीटर इतना याद रख लेंगे इतना बहुत इससे ज्यादा की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी इतना याद रख लेंगे इतने में आपका काम चल जाएगा आराम से ठीक है ना ये रिलेशन याद रखिएगा आगे, आगे आपको यूज में आने वाले लेंथ के बाद नेक्स्ट चीज आती है मास वॉट इज मास वॉट इज मास मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन एनी सब्स्टांस किसी ऑब्जेक्ट में किसी सब्सटेंस में जितना मैटर भरा है वो उसका मास है और अगर उस मास में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मल्टीप्लाई कर दूं mg, तो फिर ये वेट है मास कभी भी चेंज नहीं होता एम चेंज होता है जैसे जैसे आप जी चेंज करेंगे एम जी बदलेगा जैसे अगर मैं चांद पर चला जाऊं तो मेरा वेट कुछ और होगा <coughs> अगर मैं चांद पर चला जाऊं तो मेरा वेट कुछ और होगा क्यों कुछ और होगा क्योंकि वहां पर जी कुछ और होगा मेरा मास सेम रहेगा ये चीज बदलेगी नहीं लेकिन मेरा वेट बदल जाएगा ये डिस्टिंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स यहां पर हमारे यहां केमिस्ट्री में हम मास और वेट को एक ही बात मान के चलते हैं हमारे यहाँ केमिस्ट्री में हम मास और वेट को एक ही बात मान के चलते हैं दैट दे आर वन एंड द सेम थिंग तो वी डू नॉट गेट वेरी मच कंसर्न अबाउट मास और वेट का डिफरेंस हम इन्हें एक ही बात मान के चलते हैं एक ही चीज लेके चलते हैं तो वॉट इज मास मास की बेसिक यूनिट होती है वन किलोग्राम और ये बराबर होती है एक हजार ग्राम के एक हजार ग्राम के तो वन किलोग्राम जो होता है ये एक हजार ग्राम के बराबर होता है हजार ग्राम अगर आपके पास है तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि ये वन किलोग्राम है मास की एसआई यूनिट एक किलोग्राम होती है और सबसे कॉमन जो कन्वर्जन आप यूज करेंगे वो यूज करेंगे वन के जी इज इक्वल टू टेन एस तो दी पार थ्री ग्राम्स ठीक है सबसे कॉमन चीज है वॉल्यूम 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 के वॉल्यूम के कुछ कन्वर्जन हैं वॉल्यूम की एसआई यूनिट क्या होगी वॉल्यूम की ऐसा यूनिट क्या होगी मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर वॉल्यूम क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इसकी मीटर इसकी मीटर और इसकी भी मीटर तो यूनिट हो गई बेटा मीटर क्यूब मीटर क्यूब अब एक मीटर क्यूब अभी क्या लिखा था हमने एक मीटर बराबर सौ सेंटीमीटर और बराबर हजार मिलीमीटर यही तो लिखा था बच्चों एक मीटर इज इक्वल टू सौ सेंटीमीटर इज इक्वल टू हजार मिलीमीटर क्यूब कर दो इसका वन मीटर क्यूब इज ये टेंटी तो पार्ट टू है ना इसका क्यूब करेंगे और ये टेंटी तो पार्ट थ्री है इसका क्यूब करेंगे सॉरी मिलीमीटर क्या बन जाएगा बच्चों वन मीटर क्यूब इज टेन टू दि पावर टू इंटू थ्री सिक्स सेंटीमीटर क्यूब बराबर टेन टू दि पावर नाइन मिलीमीटर क्यूब ठीक है एक मिनट ये ब्रैकेट ऐसे लगेगा टेन की पावर टू सेंटीमीटर का होल क्यूब टेन की पावर थ्री मिलीमीटर का होल क्यूब तभी तो पूरी यूनिट का क्यूब होगा बच्चों एक तो ये होता है एक वॉल्यूम की नॉन एस आई और बड़ी कॉमन यूनिट होती है वॉल्यूम की कॉमन यूनिट होती है लीटर ये हम लोग गैसेस वगैरह के लिए यूज करते हैं लीटर बहुत कॉमन होती है गैसेस के लिए लिक्विड्स के लिए दूध लेते हैं लीटर में लेते दूध वाला आता है घर पे दूध देने लीटर में लेते ना दूध मीटर क्यूब में थोड़ा लेते हैं तो उसका भी ये कन्वर्जन होता है एक मीटर क्यूब बराबर होता है एक लीटर और एक लीटर बराबर होता है एक डेसीमीटर क्यूब एक डेसीमीटर क्यूब ये दो रिलेशन आपको याद रख रहे हैं इसका यूज हम लोग गैशियस स्टेट में करेंगे बहुत ज्यादा इसका यूज करेंगे किसमें गैशियस स्टेट में करेंगे ठीक है ओके एनर्जी एनर्जी और वर्क दोनों की यूनिट सेम होती है तो जो चीजें एनर्जी में लगेंगी वही वर्क में भी लग जाएंगी एनर्जी और वर्क एनर्जी और वर्क इसकी ऐसा SI यूनिट क्या होती है एनर्जी की ऐसा SI यूनिट होती है जूल एनर्जी की ऐसा SI यूनिट होती है जूल और जो कॉमन यूनिट्स होती है एनर्जी की वो होती हैं लीटर एटमॉस्फेरिक और अर्ग अर्ग सीजीएस सिस्टम एक यूज होता था सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम सीजीएस फ्रांस में पुराने जमाने में उसमें अर्ग यूज करते थे तो वन जूल इज इक्वल टू होता है सॉरी वन लीटर एटमॉस्फेरिक इज इक्वल टू होता है 101.3 जूल 1 लीटर एटमॉस्फेरिक जो होता है वो होता है 101.3 जूल ठीक है ना 101.3 जूल एनर्जी या वर्क बेसिकली जो निकाला जाता है एनर्जी या वर्क जो बेसिकली निकाला जाता है थोड़ा सा और लैबोरेट कर देते हैं एनर्जी या वर्क जो बेसिकली हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो क्या होता है वो होता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है और न्यूटन और इसकी यूनिट होती है मीटर न्यूटन इंटू मीटर को जूल कहते हैं एक न्यूटन मीटर बराबर एक जूल एक न्यूटन मीटर बराबर एक जूल एक जूल ठीक है और अगर जूल से अर्ग में कन्वर्ट करना हो जूल से किसमें कन्वर्ट करना हो बच्चों हमें अगर जूल से हमें अर्ग में कन्वर्ट करना हो तो जूल से अर्घ में कन्वर्ट करेंगे एक जूल बराबर टेन टू दावर सेवन अर्घ वन जूल इज इक्वल टू टेन टू दावर सेवन अर्घ ये आपको एनर्जी और वर्क के याद रखेंगे एनर्जी और वर्क के लिए तीनों चलेंगे तीनों चलेंगे एनर्जी के लिए भी चलेंगे वर्क के लिए भी चलेंगे कोई समस्या वाली बात ही नहीं नेक्स्ट आइए बच्चों प्रेशर के ऊपर प्रेशर की ऐसा यूनिट होती है पास्कल फेल पास्कल प्रेशर की ऐसा यूनिट होती है पास्कल पीए से दिखाते हैं और सबसे कॉमन यूनिट जो होती है वो होती है नोट निकालने की जगह बैंक से नोट निकालने की जगह एटीएम कॉमन यूनिट होती है एटीएम ठीक है क्या यूनिट होती है प्रेशर को सबसे सब ज्यादा एटीएम में यूज करते हैं और क्या क्या यूनिट्स होती हैं इसकी टॉर और बार और एमएमएच टॉर, बार और म्मएचजी। एक एटीएम लिख देता हूं मैं। एक एटीएम बराबर होता है 1.01 इनटू 10 डी पावर 5 पास्कल। एक एटीएम बराबर होता है 1.013 बार। एक एटीएम बराबर होता है 760 म्मएचजी। और ये बराबर होता है 760 टॉर। ये हमने सीधे रिलेट कर दिया ये हमने सारी की सारी यूनिट्स को रिलेट कर दिया वन एटमॉस्फेरिक से ये कन्वर्जन फैक्टर आपको याद रखने ये कन्वर्जन फैक्टर आप लोग गैसीय स्टेट वाले चैप्टर में लपक के यूज करेंगे प्रेशर के और वॉल्यूम के वहां बार-बार यूज में आएंगे इसलिए ने ध्यान से समझ लीजिएगा इसकी एसआई यूनिट होती है बच्चों केल्विन कॉमन यूनिट्स सेल्सियस डिग्री सी और दूर की ऊंचाई फारेनहाइट, एन हाइट फैर एन हाइट एन हाइट दूर की ऊंचाई डिग्री फार एन हाइट और सेल्सियस में रिलेशन होता है नाइन बाई फाइव प्लस थर्टी टू ठीक है ना फारेनहाइट एन हाइट में हम लोग बॉडी का टेम्परेचर पढ़ते हैं नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है 98.5 थर्मामीटर से देखते हैं ना मम्मी से पूछना मम्मी नॉर्मल बॉडी तो तो का टेम्परेचर कितना होता है किस यूनिट में में थर्मामीटर फारेनहाइट में रीडिंग करता है, करता है? में. और में बराबर होता है डिग्री सेल्सियस प्लस टू सेवन थ्री डिग्री सेल्सियस प्लस टू सेवेंटी थ्री ठीक है ना डिग्री सेल्सियस प्लस टू सेवेंटी थ्री आपको टेम्परेचर क्या होता है टेम्परेचर होता है मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एनी सिस्टम मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एनी सिस्टम ठीक है तो मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एनी सिस्टम को हम क्या कहते हैं बच्चों हम कहते हैं जे टेम्परेचर कुछ और दिए हुए हैं आप लोगों को ये रिफेक्सिस जो आप लोग यूज करेंगे हालांकि इनका यूज फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा नहीं आने वाला है सेमी और सेस्क्वी ये कई बार आ सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन वाले पोर्शन में लेकिन उसके अलावा अधिकतर यूज नहीं आने वाले हैं फिर भी आप एक बार इन्हें देख लीजिएगा फिर भी आप इन्हें एक बार देख लीजिएगा इनका यूज अधिकतर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे मोनोबाई मोनोबाई और सेमी सेस्क ठीक है ना बाबा ठीक है बाबा तो ये देख लीजिएगा एक बार इनकी शक्लें देख लीजिएगा इनसे वैसे आपकी मुलाकात ऑर्गेनिक में भी होगी दोबारा से फिर भी एक बार शक्लें इनकी देख लीजिएगा आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं छोटे छोटे पार्ट ऑफ सेवन बेसिक एस आई यूनिट इनमें सेवन बेसिक एसआई यूनिट्स में कौन आता है जूल क्या आता है आइए चेक कर लेते हैं क्या जूल सेवन बेसिक एसआई यूनिट्स में आता है आता है बोलिए आता है क्या नहीं आता है देखिए ना मीटर किलोग्राम साथ एम्पियर कैलविन किलोग्राम, सेकंड, एंपियर कैल्विन कैंडेला मोल ये सात ऐसा यूनिट्स है अब आप चेक कर लीजिए कि जो ऑप्शंस में दी है उसमें से कौन सी वाली मैच कर रही है ऑप्शंस में जो दी है उसमें से केवल एक कैंडेला मैच कर रही है क्योंकि जूल भी नहीं है पास्कल भी नहीं है और न्यूटन भी नहीं है जूल भी नहीं है पास्कल भी नहीं है और न्यूटन भी नहीं ठीक है तो यह आ गई कहानी, केंडिला की केंडिला के बाद आता है एक अगला क्वेश्चन कैंडेला के बाद आता है अगला क्वेश्चन कन्वर्ट टू एटमोस्फेरिक इंटू सेंटीमीटर ऑफ एच जी कन्वर्ट टू एटमोस्फेरिक इंटू सेंटीमीटर ऑफ एच जी अगर हम यहां प्रेशर में आए प्रेशर में यहां पर आ जाए ये प्रेशर है तो एक चीज और नोट कर सकते हैं आप एक एटीएम बराबर होता है बच्चों सेवन सिक्सटी एम एम ऑफ एच जी या फिर इसको लिख सकते हैं हम लोग बच्चों सेवेंटी सिक्स सेंटीमीटर ऑफ एच जी अगर हमें सेंटीमीटर में लिखना होता है तो हम सेवेंटी सिक्स सेंटीमीटर ऑफ एच जी भी लिख सकते हैं प्रेशर सेवनटी सिक्स सेंटीमीटर ऑफ एच जी भी होता है ये प्रेशर की यूनिट है सेवेंटी सिक्स कैसे किया हमने देखो यहां से किया देख लो हंड्रेड सेंटीमीटर इज इक्वल टू थाउजेंड एम तो यहां से यहां से आप देख सकते हैं हंड्रेड सेंटीमीटर इज इक्वल टू थाउजेंड एम या फिर एक सेंटीमीटर इज इक्वल टू टेन एमएम, एम या फिर एक एम एम इज इक्वल टू वन बाई टेन सेंटीमीटर सेंटीमीटर हमारे पास कितने एम mm एम है सेवन सिक्सटी एमएम को अगर सेंटीमीटर में चेंज करना है तो दस से डिवाइड कर देंगे सेंटीमीटर आगे ठीक है बच्चे तो हमने लिख दिया इसको कितना सेवेंटी सिक्स सेंटीमीटर ऑफ एच जी ऐसे भी लिख सकते हैं ओके तो अब जब हमें यह पता लगी गया है तो आओ फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं वन एटीएम टू एटीएम इज इक्वल टू सेवेंटी सिक्स सेंटीमीटर ऑफ एच जी ये हम जानते हैं 1 ATM 76 के है। तो बच्चों 2 ATM आ गया क्या आंसर आ गया वन फिफ्टी टू एम एम एच जी ठीक है तो ये अपना ऑप्शन आप आ गया ऑप्शन नंबर सी क्लियर है बच्चों ओके okay. तो आज के लेक्चर में मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शरी पैटर्न आपका बना दिया एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दे दिया ठीक है आज के लेक्चर में हमने मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज के नाम लिए हैं अभी पढ़ाया नहीं है केवल नाम लिए हैं जैसे हमने नाम लिया लेंथ का मास का वॉल्यूम का प्रेशर का टेम्परेचर का सही समय आने पर इन यूनिट्स के बारे में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा जैसे ही जैसे इनका समय आता जाएगा वैसे वैसे आपको डिटेल में बताया जाएगा इन यूनिट्स के बारे में ठीक है ना। जैसे मास्क आया तो आपको मैंने बताया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेके आएंगे तो नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपको क्या करना है आपका आज का जो असाइनमेंट है आज का जो टास्क है आज का जो काम है वो ये है कि ये जो कन्वर्जन फैक्टर आपको मैंने बताए हैं ये आपको याद करने हैं ये जो कन्वर्जन फैक्टर्स आपको बताए गए हैं इन स्लाइड्स में ये याद करके आने हैं मतलब आज के लेक्चर में जो स्लाइड नंबर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव और ट्वेंटी सिक्स है ये आप याद करेंगे क्योंकि अगले लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे कन्वर्जन पर और और फिर हम चलेंगे अपनी मेन कहानी की तरफ जिसका नाम है मोल तो धीरे धीरे फिर हम मोल की तरफ अपने कदम बढ़ाएंगे ओके तो, तो क्या करना है फिर हमें क्या करना है फिर हमें क्या करना है हमें हमें पढ़ना है प्यार से पढ़ना है प्यार से और नीट का पेपर फोड़ना है जाके पूरी रफ्तार से पूरी रफ्तार से तो एक बात याद रखनी है इतनी मेहनत से पढ़ाई करेंगे कि नीट को धुआं धुआं कर देंगे थैंक यू ऑल द बेस्ट आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में